अच्छा फोन नहीं चला देना तो आप और बेकार हैं। बेकार होने का रीजन तो कम से कम रहना चाहिए। जैसे हमारे पास कह रहा है एक वर्ग है, एक वर्ग है, यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है और यहाँ क्यू है, ठीक है। अब शांत रहिए। कह रहा है एक वर्ग के जहां तीन लोग या चार लोग बैठे, दो लोग बैठे, वहां बैठ जाइए, आप लोग वहां बैठ जाओ, बैठने दो भाई, उसको बगल में बैठ जाओ, वहां पे दो लोग बैठे हैं, ध्यान दो। एक वर्ग है जिसके विपरीत कोनों पर दो आवेश क्यू क्यू रखे गए हैं और यहां पे भी क्यू क्यू रखे हैं, तो यहां बड़का क्यू है और यहां छोटा क्यू। कह रहा है क्यू आवेश पे जो परिणामी बल है वो जीरो है, परिणामी बल कितना है जीरो। तो क्यू बाई क्यू का मान बताना है आपको, बेसिकली आपको क्यू बाई क्यू निकालना है, क्यू बाई क्यू कितना होगा। आइए देखते हैं। देखिए हम जानते हैं इन दोनों के बीच में बल लगेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यह इसको नीचे, देखिए मैंने बताया था प्लस माइनस में प्यार की दुश्मनी, प्लस माइनस में प्यार की दुश्मनी, अब प्लस प्लस में माइनस माइनस में, तो प्लस माइनस अगर रहेंगे तो रस्सी बांध के खींचेगा कि लग्गी से कोचेगा, रस्सी बांध के क्या करेगा, अब प्लस प्लस है तो लग्गी से कोचेगा, यहाँ है क्यू, यहाँ है क्यू, तो इसको धक्का देगा नीचे, मान लेते हैं आया इसका जो इसने जो इस पे बल लगाया वो कितना लगाया एफ वन, मान ली कितना लगाया, अच्छा वर्ग है तो इसकी दूरी कितने मान ली ए, और ए भी कितना हो जाएगा ए, और ए भी कितना होगा ए, ए भी कितना होगा ए, अच्छा यह दूरी कितनी आएगी रूट टू ए। पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़े हैं ना, मैंने आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है, पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़े हैं दीवार का स्क्वायर प्लस द्वारा का स्क्वायर बराबर किसके, सीढ़ी के स्क्वायर के, दीवार का स्क्वायर द्वारा का स्क्वायर बराबर किसके, सीढ़ी के स्क्वायर के, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर किसके, कर्ण के। जब पाइथागोरस भैया को अप्लाई करेंगे तो यह इसका यहाँ से आता का डिस्टेंस निकल के कितना आएगा रूट टू ए आएगा। अच्छा यह इस पे बल लगा रहा है नीचे कितना एफ वन, और ये भी लग्गी से कोचेगा, इधर मान लेते हैं इसने बल लगाया इधर कितना एफ टू, ठीक है। अच्छा यह इसको लगा रहा है कितना एफ थ्री। अब एक चीज समझिएगा, ठीक है, एक बड़ी कमाल की बात क्या है कि अगर यह क्यू क्यू, अगर ये दोनों ये सब पॉजिटिव हो गए तो इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इसका डायरेक्शन रिवर्स होना चाहिए, ठीक है, जो कि दिया नहीं हुआ, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि इस पे नेट फोर्स कितना लिखना है हम लोग को जीरो, मतलब टोटल जो फोर्स है, मतलब एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर प्लस एफ थ्री वेक्टर बराबर कितना होने वाला है जीरो, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताइए इस पे टोटल लगने वाला नेट फोर्स कितना है जीरो। एक काम कर लेते हैं, यह F1, F2 और F3 कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। F1 अगर लिखेंगे आप लोग, F1 लिखेंगे तो K, Q1, Q2, Q, Q बाई बीच के डिस्टेंस कितना A स्क्वायर, F2 लिखिए तो लिखेंगे K, Q, Q बाई A स्क्वायर, अच्छा ये सब वेक्टर में है ध्यान रखिएगा, ठीक है, F1, F2 निकल गया, F3 लिख रहे हैं इसी मैग्नीट्यूड अभी लिखा जा रहा है F3, हाँ शांत रहो। दो गुलाम भैया नियम पढ़े हो कि नहीं, दो स्थिर बिंदु आवेशों में लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के, यही होता है ना, तो चलो आप फिल करवाते हैं तुमको। आज देखो यह है क्यू आवेश यहाँ रखा है, यह क्यू आवेश यहाँ रखा है, बीच की दूरी कितनी है ए, बीच की दूरी कितनी है ए, अगर यही बीच की दूरी आर होती क्यू वन क्यू टू होता तो आप फॉर्मूला है बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर लिखते, अब क्यू वन की जगह क्या है क्यू और क्यू टू की जगह क्या है बड़का क्यू, यहाँ छोटका क्यू, यहाँ कौन सा क्यू बड़का क्यू, ठीक है, अब बीच की दूरी कितनी है ए, अब एफ वन तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, एफ वन पहले यहाँ लिखो, तो जब तुम एफ वन लिखोगे तो क्या लिखोगे K Q1 Q2 बाई बीच का डिस्टेंस कितना A स्क्वायर A लिखोगे, अच्छा F2, F2 कौन सा वाला है A, सॉरी A F2 वाला था, वो A A वाला भी उतना ही सेम रहेगा, ठीक है, F2 लिखेंगे तो कितना आएगा K Q Q बाई कितना F1 हो गया, कौन सा हो गया F2 हो गया,
F3, अब इसी मान निकाल ले, ठीक है। अच्छा, ये F3 क्या है, एक Q है और एक क्या है, Q है। क्या लिखोगे आप, K Q इंटू क्यू बाई बीच का डिस्टेंस रूट टू ए का क्या, ते क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, पक्का ना। अच्छा बताओ, या फॉरवर्ड वेक्टर प्लस क्या, प्लस बराबर करना यही ना, प्लस F3 वेक्टर उधर ले जाओगे तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर माइनस क्या हो गए, यही ना। F1 F2 को जोड़ना है तुमको, जोड़ने का तरीका क्या सिखाया गया तुम लोग को, F1 का स्क्वायर प्लस क्या, F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos बराबर माइनस F3 लिख दे, परिमाण बस लिखना है। अच्छा ये बताओ, F1 नीचे है, F2 इधर है, तो बीच का कोण कितना आया, थीटा कितने अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अच्छा F1 F2 F3, अच्छा देखो F1 का जितना मान है उतना F2 का मान है कि नहीं है, है ना, दोनों मान सेम है, चूंकि आप लिख सकते हैं F1 बराबर क्या, इसके बराबर हम मान लेते हैं क्या, F, तो यहाँ क्या लिखोगे तुम, F स्क्वायर प्लस 2 गुड़े F गुड़े क्या, F cos कितने अंश बराबर माइनस F 3। अच्छा cos 90 का मान, अरे cos 90 का मान भैया, एक पूरा टर्म कितना हो गया, F स्क्वायर क्या होगा, माइनस F3 आएगा। अच्छा ये F स्क्वायर अपने रूट को हटाएगा, ये आएगा क्या, रूट 2 F माइनस F3। अब F का मान बताओ, F बराबर क्या था, F1 बराबर क्या, F2, तो F1 का मान बता दो कितना है, Q बाई क्या माइनस F3 का मान कितना है, यही ना। ये बताओ, यह A स्क्वायर क्या हो गया, यह K क्या हो गया, A Q क्या हो गया, तो यहाँ पे मिला तुमको क्या, मिला रूट 2 क्यू माइनस क्यू बाई कितना, 2 को यहाँ भेज दो, क्यू को यहाँ भेज दो, तो 2 रूट 2 क्यू बाई क्या आया, आंसर है, यानी Q/Q का जो रेशियो आया वो -2√2 आया, जो पहला ऑप्शन सही है जिसमें से, ठीक है। बैठो, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान सवाल है, अगर आप सवाल की भाषा समझ जाए तो काम हो जाएगा। कह रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र में यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, समझो यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ही यहाँ पर एक आवेश है Q और एक टोटल यहाँ से यहाँ तक, वही लो यह टोटल यहाँ से यहाँ तक जाता है, जो डिस्टेंस चलता है वो कितना चलता है, वाई। तो कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र ई आवेश, विद्युत क्षेत्र ई में आवेश Q को प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित मतलब होता है फेंकना, इसके द्वारा वाई दूरी तय करने में संपन्न कार्य कितना कार्य होगा, एक बार बताओ, कार्य बराबर बल गुणे, पढ़े हो। अच्छा ये बताओ, अगर तुम लोग पढ़े होगे तो बल बराबर F बराबर जो मैंने उस दिन बताया था वो Q इंटू क्या होता है, E इक्वल टू F बाई क्यू होता है, ठीक है, तो F इक्वल टू क्यू ई, और जो D के जगह पर है वो क्या है, Y, ठीक है, तो W बराबर कार्य बराबर आएगा Q E Y, बड़का वाई बना दिया। पहला ऑप्शन इतना ही करना था भैया, कार बनाओ बल गुड़े, इतना तो बचपन में सिखा दिया जाता है, कार बनाओ बल गुड़े विस्थापन, आप बल बराबर क्यों ही, उस दिन मैंने पढ़ाया था अभी वैद्युत क्षेत्र वाले कॉन्सेप्ट के दिन, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का जिसमें अंदर आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ये आपको तो उसी दिन बता दिया गया था। अच्छा ध्यान दीजिए, तो W इक्वल टू क्यू ई क्या आ गया, वाई, कोई दिक्कत इसमें, नोट करिए इसको। तीसरा सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, मुझे पर्सनली अच्छा लगा है ये सवाल, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, कारण है कि आपको वेक्टर की नॉलेज चेक कर लेता है सवाल, वेक्टर की कितनी नॉलेज है और आप उसको कैसे इस सवाल में प्रयोग करेंगे वो चेक कर लेता। कह रहा है दो समान बिंदु जिनमें प्रत्येक पर दो बिंदु है, यहाँ पर भी 3 माइक्रो कूलाम आवेश है Q1 और यहाँ पे भी Q2 3 माइक्रो कूलाम। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3,
वो तीन है, वो प्रिंट नहीं हुआ था। दो समान बिंदु जिनमें प्रत्येक पर 3 माइक्रोकुलम आवेश है एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं, यदि उन्हें, अब सुनिए, उस पॉइंट का, ये जो पॉइंट दिया गया है ए, ए वेक्टर दिया गया है इसका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अब बी वेक्टर जो दिया गया है 2i कैप 3j कैप 4k कैप 3k कैप, ये सब मीटर में है। कह रहा है आपको, अब इसके बीच का डिस्टेंस नहीं दिया गया है आर, और जब तक आर पता नहीं चलेगा तब तक आप बल, अब मेन बात आंसर वेक्टर में दिया ही नहीं है, अब जब आंसर वेक्टर में दिया नहीं है तो आप क्या करेंगे। इसका एक बहुत बेसिक तरीका है, आप लोगों को मैंने जो उस दिन बताया था ये आर वन वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है, आर टू, आर वन वेक्टर और कौन सा है आर टू वेक्टर, तो आर वेक्टर बराबर यहाँ जो आएगा आर टू माइनस आर वन आएगा, उसका मॉड ले लीजिए आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आर टू माइनस आर वन लिख लीजिए तो आंसर मिल जाएगा। एक तरीका और है इसको लिखने का, एक तरीका और, ये जो पॉइंट होता है ना इसका निर्देशांक भी माना जाता है, तो अगर इसका निर्देशांक लिखो तो 1,1,1 होगा, इनके गुणांक इसके निर्देशांक हो जाते हैं, और ये जो b होगा ये 2,3,3 होगा। और याद रखिएगा अगर कभी भी अगर तुम वेक्टर में सॉल्व नहीं करना चाहते हो, वेक्टर में नहीं सॉल्व करना चाहते हो, तो तुम एक काम कर सकते हो, भाई जो वेक्टर दिया हुआ है इनके जो गुणांक होते हैं वही उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इस बिंदु का निर्देशांक की तरह निकल के आएगा, इस बिंदु का निर्देशांक की तरह निकल के आएगा। अब तुमको करना क्या है, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए अगर एक पॉइंट x1, y1, z1 दिया है और b दिया है x2, y2, z2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा जाना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, ab इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का द्विभिमी में है, मतलब द्विभिमी है, त्रिभिमी में क्या होता है z2 - z1 का क्या होल स्क्वायर, यह एक चीज बढ़ जाता है। तो जब तुम डिस्टेंस ab वाला लिखोगे इसके लिए, तुम जब ab का डिस्टेंस यहाँ पे लिखोगे तो पहले को पहले से घटाओ, 2 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, ab दो में से एक क्या कितना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 2 × 4 × 2 = 4 और 1, 9 का कितना आएगा 3 मीटर। अच्छा अब फार्मूला लगाओ, f बराबर k Q1 Q2 y r2। देखो बहुत आसान चीज है, अगर तुमको वेक्टर लगाने आता है तो लगा करके आंसर निकाल लोगे, r1 r2 दिया था, r वेक्टर बराबर r2 - r1 होता है, उस दिन मैंने बताया था, ठीक है, जब मैंने आप लोग को कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताया था तो मैंने इस चीज को डिस्कस किया था, r1 r2 दिए गए हैं, आप r वेक्टर निकालिए रखिए सॉल्व करिए आंसर आएगा। लेकिन अगर नहीं चाहते हैं कि वेक्टर लगाना पड़े तो निर्देशांक दिए डिस्टेंस फॉर्मूला से उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करिए, तो r, r जो आया 3 आया, f बातें नहीं 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶, बीच का डिस्टेंस 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, 9 क्या हो गया 6 × 6 = 12, 12 × 9 = 10⁻³, 3 N, इतना बल आएगा, कौन सा ऑप्शन है ये, ठीक है दूसरा ऑप्शन सही है। कितना कठिन सवाल है, एक और आसान प्रश्न कह रहा है, कितने लोग का अभी तीनों प्रश्न सही हो गया अभी तक, अच्छा कह रहा है निर्वात में जो बल लग रहा है वो 10⁻⁴ N, और जो माध्यम में बल लग रहा है वो 10⁻⁵ × 10⁻⁵ N, ठीक है, निर्वात में इतना बल है माध्यम में इतना बल है, तो कह रहा है कि इसका परावैद्युतांक कितना होगा। लेकिन तुम लोग को झगड़ा का कॉन्सेप्ट समझाए थे कि दो लोग अगर जमीनी झगड़ा करें और उन्हीं को ले जाकर पानी के टंकी में डुबा दो, कब ज्यादा मुंह फुटोगर होगा, जमीनी में मार के दूसरे भूमना फोड़ देंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर निर्वात में है तो दो आवेशों के मध्य बल क्या होता है, ज्यादा लगता है किसी माध्यम की अपेक्षा। तो आप लोग को बताया गया था एफ एयर इक्वल टू के एफ एम बताया गया था, नहीं बताया गया, तो अगर यहाँ से के की वैल्यू लिखोगे तो एफ एयर डिवाइड बाई क्या लिखोगे, एफ एम, एफ एयर का मान 10⁻⁴ अरे इतना है ना, अब इधर ध्यान दो, ओए बातें बंद करो, अरे यहाँ लिखा है 2.5 × 10⁻⁵ कितना -5, -5 ऊपर जाके क्या होगा,
पांच से चार गया, ढाई चौका सही था, के बराबर कितना आया, कितने लोगों का सही था भैया, ज्यादा लोगों का सही था, के बराबर कितना चार, फाइव सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव। हमको तो नहीं लगता है किसी का गलत होना चाहिए, अगर गलत है तो समझ लीजिए भैया आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सबसे जरूरी चीज है जाके क्लास थर्ड फोर्थ में नाम लिखवाइए, जोड़ घटाना सीख के आइए, ठीक है। Q1 एक एंगस्ट्रॉम, Q2 कितना, एक एंगस्ट्रॉम, सॉरी अरे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी मेरी गलती, इलेक्ट्रॉन है, अब बीच की दूरी एक एंगस्ट्रॉम, हाँ F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही ना, अब ध्यान दो F K का मान 9 × 10 पकाते 9, Q1 का 1.6 × 10 पकाते माइनस 19, Q2 का मान 1.6 × 10 पकाते माइनस 19, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पकाते माइनस 10 मीटर के होता है, तो 10 पकाते माइनस 10 का होल स्क्वायर 16 × 256 19 से 38 9 गया कितना 29, 10 दूना कितना 20, माइनस 20 ऊपर जा क्या होगा प्लस 20, 29 से 20 निकल गया, 6 × 9 = 54 के 4, 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 50 के 0, 5 हासिल 9 × 18 = 20 = 23, 23.04 10 − कितना 9 न्यूटन, एनओटी वाला ऑप्शन था, ये भी सही है, अरे सॉरी 23.04 16 × 1 किधर लाएंगे 2.304 × 10 = माइनस कितना 8, नोटी नहीं है ये, पांचवे का ए है एकदम, कह रहा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आर बराबर 30 सेंटीमीटर, कह रहा वैद्युत क्षेत्र 2 न्यूटन पर कूलाम का है, कह रहा है बताओ क्यों भैया कहना है, यही ना, अब ई बराबर तुम लोगों को क्या बताया गया था, KQ/E बराबर KQ/R² बताया गया था, 2N/C है न्यूटन पर कूलाम उसको पढ़ते हैं, अब नहीं पढ़ पा रहे तो बहुत दिक्कत, अब जो जहां डेट लिखना हो डेट ऑफ बर्थ लिख के रखा है तो उसका मतलब आप समझ ही सकते हैं, ई का मान दिया 2, के का मान 9 × 10 = 9, क्यू आर 30 सेंटीमीटर को 30 × 10 − कितना 2 मीटर या 3 × 10 − 1 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, अब यहां लिखिए 3 × 10 − कितना 1 का स्क्वायर, 3 तरीका 9 × 10 = 9, 3 तरीका 9, 2 × 1 = 2, 9 कट गया क्यू, प्लस माइनस 2 ऊपर जा क्या होगा, तो 9 कितना होगा, भाग दे दीजिए इससे 2/10 कितना 11, प्लस 11 ऊपर जा क्या होगा 10−11 गुलाम, कौन सा ऑप्शन है इसमें पहला, छठवां का पहला, ठीक है, ध्यान रखो, कुछ लोग तो टेस्ट देते हुए मैंने देखा इसे आस्था में थे तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ई का दे दिए हैं हमको, ऐसा भी कुछ होता है क्या, अरे आइए, कह रहा है 2 बिंदु आवेश 3 μC और 8 μC एक दूसरे को 40 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, Q1 3 μC है, Q2 8 μC है, और यह दोनों एक दूसरे से 40 न्यूटन के बल से क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, कह रहा है कि यदि −5 μC का आवेश प्रत्येक में और जोड़ दिया जाए तो इनके मध्य लगने वाला बल हो जाएगा, −5 μC और जोड़ दोगे, ठीक है, तो देखते हैं कितना हो जाएगा,
कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना ही रहो, कॉन्सेप्ट देखना। अच्छा बीच का डिस्टेंस पता है क्या? अच्छा एफ बराबर के क्यूवन क्यू टू वाई। अभी तक केवल दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, एक फोर्स वाला एफ कूलम्स लॉ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बस दुइयत आउट ऑफ काम चल रहा है अभी तक। एफ इज इक्वल टू 40 के का मान 9 गुणे 10 में घाते 9, 3 गुणे 10 में घाते माइनस करना 6, 8 गुणे 10 में घाते माइनस करना 6 आर स्क्वायर। अच्छा 8 पाँचे 5 आर स्क्वायर, 9 त्रिका 6, 6 12 से 9 गया यही ना, 5 से भाग दे दो तो 27 गुणे 10 में घाते माइनस 3 बटे करना 5 तो आर स्क्वायर, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, ठीक है। ये 27 कितना आ रहा भाग देने पे, 25 पांचों का 20, 10 पे घाते माइनस 3 में, इतना छोड़ दो, आर स्क्वायर का मान मिल गया। अच्छा कह रहा है इसको पुनः आवेश दिया जाता है, ठीक है। पहले इसके पास 3 माइक्रो कूलम का आवेश था, फिर इसको माइनस 5 माइक्रो कूलम का आवेश दिया गया, तो Q1 कितना हो जाएगा, यही ना। इसके पास पहले 8 माइक्रो कूलम का आवेश था, फिर 5 माइक्रो कूलम और दिया गया, तो Q2 कितना हो जाएगा। और आर स्क्वायर का मान तुमको पता ही पता है, अब यह बराबर होता है के Q1 Q2 बाई एफ। के का मान 9 गुणे 10 लगाते हैं, Q1 का मान 2 गुणे 10 लगाते माइनस 6, Q2 का मान 3 गुणे 10 लगाते माइनस 6, आर स्क्वायर का मान 5.4 गुणे 10 लगाते माइनस 3। अरे कोई दिक्कत, आर स्क्वायर नहीं होगा, आर स्क्वायर करेंगे, ये पूरा आर स्क्वायर ही है, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा 9 तरीका 27, 27 दूना 0.2 कितना 2। अच्छा 0.2 से 2 को काटोगे 10 बार में कटेगा, कितने बार में, तो 6 12 में से 9 गया, कितना न्यूटन आया है, कितने बल आएगा। अच्छा बोलने चला देना तो आप और बेकार हैं, बेकार होने का रीजन तो कम से कम रहना चाहिए। जैसे अगर कोई मोबाइल चला रहा है उसकी वजह से बिगड़ा हुआ तो जेन्युइन है, आप कह रहे मोबाइल यूं नहीं चला रहा फिर भी नहीं कुछ आ रहा है, तो भाई कर क्या रही है आप, दिन भर बर्तन धोवा रहे हैं घर वाले, पहले अपने घर का धो फिर पड़ोसी के घर जाके धो, पूरे गांव भर का बर्तन धो रही है। बैठिए ममता जी, चलिए मुझे ये बता दीजिए न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है। मैंने कहा ना आप लोग का अवतार हुआ है, बस खत्म है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग पास हो जाओगे तो इसके बाद क्या होगा। देखो मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं बता सकता कि तुम लोग पढ़ोगे तभी कहीं पहुंचे, लेकिन इस हिसाब से बताओ कैसे चलेगा काम। मनीष खड़े हो, ये बताओ अगर तुम धनावेशित हो जाओ तुम्हारे तरफ कौन आकर्षित होगा, ऋणावेश। अच्छा मान लो एक वस्तु है, ठीक है, एक क्या है वस्तु है, ये धरती माता हो गई, और धरती माता से इसको कनेक्शन दे दिया गया उस वस्तु को टच कर, ते बताओ अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो वस्तु धनावेशित होगी कि ऋणावेशित होगी। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली कि निगेटिवली, हाँ निगेटिव होता है, तो वस्तु कैसी होगी। अच्छा निगेटिव निगेटिव को खींचेगा, अभी तुमने कहा अगर तुम धनावेशित होगे तो किसको आकर्षित करोगे। सचिन बैठिए भाई, अगर धरती से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में जा रहे थे वस्तु धनावेशित होगी ऋणावेशित होगी, कैसी होगी धनावेशित। तो हमारे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 का आपको जवाब मिल चुका होगा, बैठ जाइए। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह था, इसका मतलब यह होगा कि वस्तु जो है कैसी है
बना रहे इसी तरह। बताइए कितना मेहनत लगता है ये सब टिक करने में, किस पे लोग सही था ये वाला? बढ़िया,